पिट्ठी भी यूज़ कर रहे हैं। पिट्ठी भी सर ज़्यादा इमरती में यूज़ देखी है मैंने, पिट्ठी का यूज़ भी यूज़ करते हैं। अच्छा दोस्तों, पिट्ठी एक्चुअली उड़द दाल होती है, उड़द दाल की फिलिंग आप देख सकते हैं, ये शुद्ध वनस्पति की और पिट्ठी से तैयार। पिट्ठी एक्चुअली उड़द दाल की फिलिंग है जो ये मैदा में डालते हैं, जो ज़्यादातर इमरती में यूज़ होती है, बट ये यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो वो भी देखने वाली बात है कि क्या टेस्ट देगी। मुझे लग रहा है कुछ अलग सा टेस्ट तो आने वाले है जलेबी का। और जैसे कि ये बनने के बाद घी के बाद ये जाती है सीधा चाशनी में, और चाशनी में सर आपने इलायची डाल रखी है भाई, फ्रेश करने वाली आपके जलेबी मुझे ऐसा लग रहा है। साथ में आपको यहाँ पे 100 ग्राम रबड़ी मिलेगी 40 रुपए की, जो कि डिब्बी में है। और सर ये कौन से दूध कौन से यूज़ करते हैं? अमूल गोल्ड, अमूल गोल्ड फुल क्रीम। अच्छा तो इसके अंदर और क्या क्या है? दूध और खोया, और दूध और खोया और इलायची, और इलायची। ओके, मतलब प्लेन रबड़ी है जलेबी के साथ आपको मिलने वाली है। दोस्तों रेट जो है यहाँ की जलेबी का वो मुझे काफ़ी सही लगा, 140 रुपए की किलो है, तो काफ़ी सही रेट है, 120, 140, 160 यही रेट जाता है। और साथ में अगर आप रबड़ी का मज़ा उठाना चाहते हैं तो आपको 40 रुपीज़ और पे करने पड़ेंगे 100 ग्राम के लिए, जो कि आई थिंक आधा किलो जलेबी के लिए भी काफ़ी रहेगी, है ना। तो 40 रुपये आप और पे करिए और दोनों का साथ में मज़ा उठाइए। तो ये देखिए जलेबी जा रही है अब हमारी चाशनी के अंदर, जिसके अंदर ऑलरेडी इलायची है। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे और स्पेशल लगी कि यहाँ पे जो जलेबी बनेगी ना, यहाँ पे बनी हुई रखी नहीं होगी, आपको हैंड टू हैंड मिलेगी, बिल्कुल फ्रेश जलेबी आपके सामने। तो सर उतनी ही बनाते हैं जितनी डिमांड आती है ना सर? जी सर, तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। तो चलिए दोस्तों, जलेबी तो हमारी तैयार हो रही है, आइए कस्टमर से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, जलेबी आ गई है करकरी बाहर, काफ़ी क्रिस्पी और पतली लग रही है। स्वाद अच्छा है? बढ़िया, सही लग रहा है? अच्छा है, स्वाद अच्छा। क्या बात है, आप भी पहली बार खा रहे सर? आज ही खाया पहली बार। अच्छा तो दोबारा खाएंगे? मतलब अब दोबारा तो खाएंगे जब जलेबी खाते ही है तो। अच्छा क्या नाम है सर आपका? मेरा खालिद नाम। अच्छा तो देखिए खालिद जी पूरे खुश हो गए दुकान से, है ना। आइए दोस्तों एक और कस्टमर से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है। तो नमस्ते अंकल जी, अंकल जी आपका नाम क्या है? RP मेहरा। RP मेहरा, तो मेहरा जी आपको कैसी लगी अंकल जलेबी? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी लग रही है, तो आप भी फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे? या
तो ऐसा टेस्ट है कि अब दोबारा यहाँ पर अब दोबारा ज़रूर आएंगे क्योंकि अच्छा लगा है टेस्ट जी सर। क्या बात है दोस्त, अब देखेंगे। मेहरा जी काफ़ी मतलब सेटिस्फाइड लग रहे हैं दुकान से, उनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ पर, उनको बहुत ही अच्छी लगी है। चलिए आइए अब हम यहाँ की जलेबी ट्राई करते हैं और बताते हैं स्वाद कैसा है। तो दोस्तों चलिए अब अपनी जलेबी लेते हैं और बताते हैं टेस्ट कैसा है। सर 20 रुपये की जलेबी कर दीजिए और एक रबड़ी कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों ये आ गई हमारी जलेबी और एक रबड़ी ले लेते हैं। नहीं सर ये देखिए दोस्तों दोनों का हमारा कॉम्बिनेशन पूरा परफेक्ट वाला आ चुका है सामने, काफ़ी पतली और क्रिस्पी लग रही है, गर्म गर्म है। चलिए थोड़ी फ़ोटो शूट करते हैं और वापस आते हैं आपके। तो दोस्तों आप देखेंगे कि हमारी जलेबी आ चुकी है और एक्चुअली हमने 20 रुपीज़ की बोलती बट मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है सर, 20 रुपये ज़्यादा दे दी शायद आपने। तो पर यहाँ पे 250 ग्राम आपको कितने की, 35 रुपये की सर, 35 रुपीज़ की 250 ग्राम है। तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा कि 20 रुपीज़ में आपको कितने मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों टेस्ट करते हैं, काफ़ी देर हो गई है फोटोशूट में, गर्मा गर्म जलेबी थोड़ी ठंडी हो चुकी है क्योंकि मैं थोड़ा टाइम हो गया। तो पहले मैं साइड से तोड़ता हूँ एक बारी बिना रबड़ी के, और ये देखिए काफ़ी पतली और क्रिस्पी लग रही है वो तेरी भाई। इंडियन स्वीट्स देसी स्वीट्स से बढ़िया कुछ नहीं है भाई। बहुत ही पतली, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, मिठास ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, सच में ओवर मीठी नहीं लग रही है। इलायची आपको रिफ़्रेश करने वाली है, बट एक्चुअली हमने ना इलायची ऊपर से भी डाल ली है, प्रेजेंटेशन के लिए डाली थी बट उसका टेस्ट आ रहा है थोड़ा, तो और ज़्यादा रिफ़्रेशिंग करने वाली है वो आपको। अब लेते हैं कि रबड़ी के साथ, ये देखिए प्लेन रबड़ी, प्रेजेंटेशन के लिए ऊपर इलायची डाली है। आइए एक और लूं। गर्मा गर्म जलेबी, ठंडी ठंडी रबड़ी, अल्टीमेट कॉम्बिनेशन दे रही है। और रबड़ी जो है वो वाली रबड़ी है जो गाड़ी वाली फलूदा के साथ यूज़ होती है, सेम वही रबड़ी यूज़ है, प्लेन रबड़ी है। सर ने जैसे कि अंदर बताया दूध और खोया के मिक्सचर इन्होंने यूज़ करा है, तो बहुत ही बढ़िया रबड़ी लग रही है। और लिटरली कॉम्बिनेशन ना ऐसा है कि आपका मूड अच्छा कर देगा, चाहे कितना भी बेकार मूड हो ना आपका, आप खुश हो जाओगे यहाँ से। एक और लेता हूँ, इलायची का स्वाद दोनों में आ रहा है, शायद इसलिए भी क्योंकि हमने ऊपर से भी डाली है तो उस वजह से भी, बट रबड़ी मुझे बहुत पसंद आई यहाँ की। खाली रबड़ी टेस्ट करता हूँ, ये देखिए खाली रबड़ी है, साइड से उठाता हूँ जहाँ पे इलायची हमने नहीं डाली है, पता नहीं चल रहा एक्चुअली कि रबड़ी में भी चीनी है या नहीं है। रबड़ी एक्चुअली मीठी समझ नहीं आ रहा है एक जलेबी का टेस्ट। सर रबड़ी में चीनी डालते हैं आप? बहुत नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है ना, एक्चुअली जलेबी की बात तो पता भी नहीं चल रही है। एक मीठा बिल्कुल नॉर्मल है, वही जलेबी खाएंगे तो रबड़ी का आपको लगने नहीं वाला कि मीठी है एक्स्ट्रा। बहुत बढ़िया भाई, आओ यहाँ पे गुप्ता जी की जलेबी, लिटरली आप खुश हो जाओगे, बहुत ही बढ़िया लगने वाली है आपको। तो चलिए दोस्तों मैं फिनिश करता हूँ और इस रेडी की टाइमिंग आपको बताऊँगा। दोस्तों गुप्ता जी की जलेबी आज हमने खाई और एक महीना हुआ है इस दुकान को बट लग नहीं रहा, लग रहा है कितनी पुरानी ये शॉप है, कितना ज़्यादा इनके पास एक्सपीरियंस है बनाने का कि भाई एक बाइट आप लेंगे ना आपका दिल जीत जाएगी। रेडी जो है बहुत ही बड़ी जलेबी है, रबड़ी और बढ़िया, दोनों का कॉम्बिनेशन इतना परफेक्ट है कि बस आप अगर आपने डिनर लंच कुछ भी कर लिया हो ना आप आ जाइए यहाँ पर, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। तो मैं आपको टाइमिंग बता दूँ एक बारी, ये शाम को 4 बजे लगती है सर, 4 से रात 10 बजे तक है और हफ्ते में 6 दिन लगती है, वेडनेसडे को उनकी छुट्टी होती है। तो आइए कभी 6 दिन हफ्ते में ट्राई करें और बताएं हमें कैसा लगा आपको यहाँ का स्वाद कमेंट्स में। तो मिलते हैं फिर आपसे एक बहुत ही अच्छी वीडियो में दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।